वाहिगुरु जी कानड़ा महला चौथा जापमान राम नाम जगन्नाथ कुमन केर परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए देहाथ। जप मन राम नाम जगन्नाथ कुम्मन केर परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए देहाथ। रहाओ स्वामी अपै निरंजन नर हर तुम राख लिहो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर हम ढूंढ रहे पाई नहीं हाथ। तू परै परै अपरंपर स्वामी तू अपन जाने हैं आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम त्याए सत संगत मिल साधु पाथ। हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जप्यो अकथ कथ काथ। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख लिहो जगन्नाथ। जन नानक दासन दास दासन को प्रभ करो कृपा राखो जन साथ। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख लिहो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को प्रभ करो कृपा राखो जन साथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तखत दे मालिक सतगुरु सर्वकला समर्थ जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुभायमान परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ वाहिगुरु जी दी बख्शिश होई है अमृत वेले गुरु के दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु की पवित्र हजूरी विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन का आनंद आप जी ने माणिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की विचार हर रोज़ जो आप जी सवण करते हो उस दे नाल संबंधित सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज के ये पावन अमोल बचन कानड़ा राग विच्चों आप जी सवण कर रहे से। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है सृष्टि के अंदर कई तरह के जीव ने मनुख के गुजरान लिए परमात्मा ने माया बनाई है। माया तो बिना यह सृष्टि चल नहीं सकती। जिन्हों लोगों को सोझी नहीं है रब्बी सिद्धांत की वो सोचते माया माड़ी है माया करके रब का नाम नहीं जपया जाता। यह माया तो बिना जिंदगी नहीं चल सकती। जिन्हें कोई बेड़ी पानी तो बिना नहीं तर सकती। रेत ते बेड़ी नहीं तरेगी पानी दी लोड़ है। ये जगत माया दे नाल ही चलना है। माया दर्थ कला को रुपया पैसा नहीं है। परमात्मा तो बिना जो कुछ भी असी देखते हैं ये सब माया ही है। बेड़ी पानी तो बिना नहीं चल सकती।
पर एक शर्त है कि पानी बेड़ी दे विच नहीं पैना चाहिदा। जे पानी बेड़ी दे विच पै गया बेड़ी फिर भी नहीं चल सकती। माया तो बिना गुजरान नहीं है, लेकिन माया जिहड़ी है वह मनुख की सुरत च नहीं होनी चाहिए। जदों सुरत विच माया ही माया वस गई मनुख फिर भी डुब जाएगा। बेड़ी पानी दे विच डुबदी कदों है, जदों पानी बेड़ी विच पै जाए। वड्डे वड्डे पत्थर पानी च डुब जाते हैं, पर जे वह पत्थर बेड़ी ते रख दिते जाण वह भी पार लंघ जाते हैं। इस जगत विच मनुख जिस बन्ने लग जाएगा वह जिहा ही बन जाएगा। जे रब्बी गुणा वल लग्गिया वह रब ही बन जाएगा। मनुख रब बन लई आया, रब बनना इहदी जिंदगी दा मकसद है। गुरु के अमृत बचन रोज पढ़दे, भई प्राप्त मानुख देहुरी आ गोविंद मिलन की ए तेरी बरी आ। जे ए गोविंद दे गुण गाएगा परमात्मा वाले बन्ने लगेगा, उत्तम कर्म करेगा ये रब बन जाएगा। पर जे ये रब नालों हट के केवल माया दे नाल जुड़ गया, माया नाल जुड़दा जुड़दा सहज सहजे पत्थर बन जाएगा, डुब जाएगा। पत्थर का अर्थ है कि दी सुरत पत्थर बन जाएगी। पत्थर बड़ा कठोर होंदा, पत्थर दे उपर कोई चीज़ मारो नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। मनुख परमात्मा नालों टुट के जो सिर्फ तो सिर्फ माया तक सीमित हो के रह जाता है, वह अंदरों पत्थर बन जाता है। उहदे ते किसे दे तरले दा कोई असर नहीं हुंदा। असीं कहिंदे तो बंदा पत्थर दिल हो गया, इहदे मन च कोई तरस नहीं है, इहदे मन च कोई दया नहीं है, कि इहदे मन च रहम नहीं है। पत्थर मनुख उदों बणदा जदों उह परमात्मा नाल टुट के सिर्फ तां सिर्फ स्वार्थ दे अधीन उह दुनिया च विचरदा है। सर्दियां दे अंदर न जदों ठंड बहुत होए, शरीर नूं ठंड लगे तो हथ पैर सुन्न हो जाते हैं, पत्थर वर्गे हो जाते हैं। वह सुन हुए हथां दे उपर कोई तुसी चोट मारो कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई असर नहीं पैंदा। बिल्कुल इस तरह जदों मनुख दे मन उपर माया दा असर पै जाए, मनुख अंदरों सुन हो जाता है, पत्थर हो जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिथे उन्हां लोगों का जिक्र किया, जिहड़े मन करके पत्थर बन जाते हैं, उत्थे सतगुरु जी ने यह जुगत भी दर्शाई है कि पत्थरों का भी उधार हो सकता है। गुरमत ने कितने निराश नहीं किया। धर्म की दुनिया च बड़ा डराया जाता है, लेकिन गुरमत ने डर कटिया है। ठीक है, असी जिंदगी औगुण करते हुए मोह माया च खचत हो के इन्हां घुमण घेरियां च फस गए हैं, अंदरों पत्थर बन गए हैं। पर सतगुरु साहब जी कहिंदे एक तरीका है कि मनुख सत संगत विच आ जाए। सत संगत दे राही मनुख परमात्मा दे गुण गाए, परमात्मा दी कीर्ति करे। ये सतसंगत पत्थरां नूं भी पार उतारन दे समर्थ है। गुरु नानक साहब जी ने साडे ते बहुत कृपा कीती जो सानूं सतसंगत बख्शिश कीती है। जिन्नी वड्डी दात सतसंगत साडे कोल है, उन्ने ही असीं इहदे प्रति बड़े लापरवाह जे हां। असीं भी सोचदे लोकी मंदरां च जांदे सी गुरद्वारे मत्था टेकन गल बन जाएगी, को मसीतां च जांदा को कबरां ते जांदा सी गुरद्वारे जावांगे साडी गल बन जाएगी। ये गल मुबारक है, लेकिन गुरुद्वारे दा मंदर दा बहुत फर्क है। गुरुद्वारे च सतसंगत दी गल है, प्रभु दी कीर्ति दी गल है। इत्थे कल्ली को पूजा दी गल नहीं है कि मत्था टेको तिलक लाओ ते चले जाओ। इत्थे सतसंगत च बैठ के परमात्मा दी सिफत सलाह सुन ते करन दी गल है। गुरबाणी कहिंदी मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सुखी काष्ट हरिया। जिहड़े सत संगत नाल जुड़ गए वह तर गए, गुरु की कृपा सरकार उन्होंने परम पदवी मिल गई। गुरबाणी कहिंदी कि सत संगत जाके वड़े वड़े पशु प्रेत मुगत को तारे पाहन पार उतारे। पशु बिरती वाले लोग, प्रेत बिरती वाले लोग, प्रेत को बाहर नहीं हुंदा, प्रेत मनुखां दे रूप च विचर रहे ने। दरअसल यह तो डराया गया कि किसी ने को प्रेत चंबड़ गया जां किसी ने को भूत चंबड़ गया। भूत मनुखां दे रूप च ही फिर रहे ने, दरअसल मनुख दे अंदर ही भूत हुंदे। जदों कोई मनुख परमात्मा नाल टुट के सिर्फ औगुण वाले बन्ने लग जांदा है, वह तो प्रेत बन जांदा है। राक्षस को बाहर नहीं है, राक्षस मनुखां दे रूप च ही तुरे फिरदे ने। इस तरह संत जां देवते को बाहर आकाश तो नहीं उतरदे, वह मनुखां दे रूप च ही तुरे फिरदे ने।
मनुख सतसंगत राही ज्यों ज्यों परमात्मा दे प्यार जुड़दा है उहदे अंदरों वह प्रेत बिरती पशु बिरती उहदे अंदरों औगण वह बिरती जिहड़ी पत्थर बना दिंदी मिटदी है उहदा पार उतारा हो जांदा है। गुरु रामदास जी महाराज ने अज दे इस मुखवाक दे राही वाहिगुरु जी की सिफत सलाह करदे आ फिर उहदी बख्शिश का जिक्र किया है कि परमात्मा सतसंगत राही किवें पत्थरां दा भी उधार कर दिंदा है। आओ आप मिल के गुरु के ये अमृत बचना की विचार सांझी करिए। सतगुरु जी दे प्यार विच जुड़दे आ मन बिरतियां नूं टिकाउण दे लई मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कानड़ा महला चौथा जप मन राम नाम जगन्नाथ। गुरु रामदास जी महाराज दे ये अमृत बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंक 1296 ते अंकित हैं। गुरुदेव अपने मन नूं समझाउंदे आ गल साढ़े सारिआं नाल कर रहे ने जप मन राम नाम जगन्नाथ। हे मन तो उस परमात्मा दा नाम जपिया कर जगन्नाथ जिहड़ा जगत दा मालक है जगत दा स्वामी है। जगत दा मालक केवल एक परमात्मा है समुचे जगत दा मालक। जगत भिखारी फिरत है सब को दाता राम। गुरबाणी कहिंदी जुड़ना है तो सिर्फ एक परमात्मा नाल जुड़ो किसी देवते नाल किसी मनुख नाल किसी होर वस्तु नाल किसी होर व्यक्ति नाल जुड़न की लोड़ नहीं है। जे जुड़ना हर जेठ जुड़न का लोड़ ही है जिस अगे सब निवन हर सज्जन दावन लगे आ किसे ना देही बन। गुरुदेव कहिंदे जे जुड़ना है तो उहदे नाल जुड़ो जिहड़े अगे सारी दुनिया झुकदी है जिन्हें सारा संसार बनाया जिहदे हुक्म अंदर सारी कायनात चल रही है सारा जग चल रहा है और सारी कायनात जिस परमात्मा दे गुण गाउंदी उहदे नाल जुड़ो। ते गुरु बाबा जी कहिंदे जप मन राम नाम जगन्नाथ। हे मेरे मन ओ परमात्मा जो जगत दा मालक है नाथ मैना मालक उस परमात्मा नू मन विच जपिया कर उनू चेते करिया कर। घुमन घेर परे विख विखिया सतगुरु काढ लिए देहाथ। देखो जेड़े प्राणी विख दा अर्थ हुंदा है जहर। जहर शरीर असी खाइए तो शरीरक तौर पर मनुख लिए बड़ी घातक हुंदी है मनुख मर भी जांदा है। जहर मनुख दे लिए घातक है। विख्या का अर्थ है माया बिख मैना जहर। ये माया जिहड़ी जहर वर्गी जां विशे विकार जिहड़ी जहर वर्गी ने जिवें जहर कितें खवा दित्ती जाए किसी नूं जां कोई खा ले तो शरीरक तौर पर उहदा नुकसान करदी है। जे साडी सुरत विच माया वस जाए जे साडी सुरत विच केवल विशे विकार वस जाण तो मनुख अंदरों मर जांदा है। उहदे अंदरों दया मर जाती प्यार मर जाता निम्रता मर जाती हलीमी मर जाती संतोख मर जाता। इवें कह लो कि उहदे अंदरों मनुखता मर जाती अंदरला मनुख मर जाता है जिन्हों आपां कहिंदे उहदी जमीर मर जाती है। मनुख दे मन विच माया का असर पै जाए तो मनुख अंदरों मर जाता है मनुखता दे पक्ष तो मर जाता है। इस करके इहनूं जहर दे नाल तुलना दित्ती है। साहब जी कहिंदे ने कि घुमन घेर परे बेख बेखिया जेड़े प्राणी। सतगुरु जी ने कहा सी कि परमात्मा का नाम जपो परमात्मा का नाम की वडियाई की है। साहब कहिंदे जेड़े प्राणी आ माया दियां घुमन घेरियां च फस गए इहदे चों निकल नहीं सकते जे वो सतगुरु की हजूरी च आ जाण सतगुरु उन्हां नूं परमात्मा के नाम नाल जोड़ के इस घुमन घेरी चों बाहर कढ लैंदे। घुमण घेर परे बिख बिखिया माया दी घुमण घेरी विच पै के जिहड़े आत्मक पक्ष तो मर गए खत्म हो गए सतगुर काढ लिए दे हाथ। सतगुरु ने अपना हाथ दे के उन्हां नूं इन्हां घुमण घेरियां तो बचा लिया। माया दे प्रभाव तो बचण दा इको एक तरीका है परमात्मा दा नाम गुरु राही परमात्मा नाल सांझ बण दे। जिहड़े लोग माया तो डरदे घर बार छड के जंगलों च बैठदे वह भी माया तो बच नहीं सकते। माया तो हर थां ते है माया तो हर चीज़ ही है। परमात्मा तो बिना जिधर देखोगे माया ही है। माया को कल्ला ये नहीं है कि रुपये पैसे दे रूप च ही है।
मनुख नूं रिधियां सिधियां दे रूप च वी माया घेर लैंदी है। जदों माया दा रूप सतगुरु जी ने वर्णन किया, श्री राग आरंभ हुंदा है, पहला ही बचन सतगुरु जी दा, मोती तां मंदर उसरे रतनी तां होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूलां विसरे तेरा चेत न आवे नाओ, हार बिन जियो जल बल जाओ, हरि तो बिना प्रभु तो बिना मेरा ये जीड़ा जिहड़ा है ये सड़ बल जांदा है। हुण अपना गुरु पूछ देखिया अवर नाहीं थाओ, अपने गुरु नूं पुछिया तो उन्हें दस दिता कि एक परमात्मा दे नाम तो बिना होर कोई थां नहीं है इस जिंद नूं बचाउण दा, इस माया दी अग तो बचण दा। फिर सतगुरु जी ने माया दे रूप वर्णन कीते, मोती तां मंदर उसरे, ये बारी तौर ते सोहणे सोहणे घर होण, मोतियां नाल जड़त होण, कस्तूरी दा लेप होए, चंदा लेप होए, इवें कह लो कि सारे सुखां दे मौज मेले दे साधन वी उहदे अंदर होण। सतगुरु जी कहिंदे वी ते इक माया दा रूप ही है, इधर बंदा हंकार आ जाए ते माया बन जांदे ने। जे ना घरां च नहीं ना रब दे प्यार च जुड़े रहो ते इही घर जिहड़े ने उह मंदर बन जांदे ने। सतगुरु जी ने फिर एक राजनीतिक ताकत का वर्णन किया, सुल्तान हुआ मेल लश्कर रे तख्त राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सवाओ। को राजनीतिक ताकत आ जाए, हंकार आ जाए, हुक्म चलाउण की आदत पै जाए, ये भी तो एक माया का रूप ही है। इस तो अलावा सतगुरु जी ने एक होर दसिया, सिद्ध हुआ रिद लाई रिद आखा आओ, गोद प्रगट होए बैसां लोक राखे पाओ, मत देख भूलां विसरै तेरा चेत न आवे ना, सिद्ध बन जावां, पुगिया होया सिद्ध, रिधियां सिधियां मेरे कोल होण, दुनिया बड़ा सत्कार करे, मत्थे टेके भावना रखे, लोकां चर्चा होए कि बाबा बड़ा करामाती है, ये भी तो एक माया का रूप ही है। जे धनवान नूं हंकार आ जाए, जे वह माया है, तो धार्मिक बंदे नूं हंकार आ जाए, भी तो एक माया ही है। इस करके किसी भी पक्ष का जो झुका है, अनबैलेंस है, ये माया का रूप है। सतगुरु साहब जी कहिंदे कि जेड़े मनुख माया दियां घूमण घेरियां फस गए, इहदे चों निकलना बड़ा औखा है। वड्डे वड्डे सिद्धां ने जिहड़े सारियां जिंदगियां जिन्हां ने जंगलां च लंघा दित्तियां, वड्डे वड्डे तप साधे, वड्डी वड्डी साधना कीती, वड्डियां वड्डियां रिधियां सिद्धियां प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाबा नानक जी नूं जदों वह मिले तो उन्होंने भी इक्को ही सवाल किया, बाबा नानक जी दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो, यह दुनिया का समुद्र बड़ा औखा है पार करना, घूमण घेरिया चो निकलना बड़ा औखा है, किवें पार करिए बाबा नानक जी। तो सतगुरु जी ने उत्थे भी कहा सी, शब्द राही परमात्मा के प्यार में जुड़ो, इक्को एक तरीका है। मुरगाबी पानी च रह के भी भिजदी नहीं है, कमल पानी च रह के भी पानी च डुबदा नहीं है। बिरती इहो जी बना लो, रहना दुनिया च ही है, संसार च ही है, माया वर्तनी है, माया गुजरान है, माया तो बिना जिंदगी चल नहीं सकती, पर माया साडी सुरत विच ना वस जाए। ये नहीं कि माया माया ही करदे रहिए। इस करके सतगुरु साहब जी कहिंदे कि जिहड़े लोग घूमण घेर परे बिख बिखिया, बाबा नामदेव साहब जी दे बड़े प्यारे बचन गुरु ग्रंथ साहब जी विच कि लोभ लहर अत नीजर बाजे काया डूबै केसवा, संसार समुंदे तार गोविंदे बहांदे बाप बीठला। हे परमात्मा जी, इस जगत विच लोभ दियां लहरां चल रही ने, निजर निजर दर्थ हुंदा है जिवें झरना नहीं वगदा ते उत्तों बड़े जोर दा पानी चलदा है, बड़े बड़े झल उठदे ने जिवें समुंदर दे विच वड्डे वड्डे जोर दी, वड्डे वड्डे शिप नूं वी डोब दिंदियां ने उह लहरां, एड्डे जोर दी वजदियां ने। निजर परमात्मा जी, इस जगत विच लोभ दियां लहरां, माया दियां वड्डियां वड्डियां प्रबल छलां, इहदे विच ते असीं डुबदे जा रहे हां, इहदे चों असीं निकल नहीं सकदे, इत्थों निकलना बड़ा औखा है। इस जगत दे हालात सतगुरु जी ने बाणी च वर्णन कीते, झड़ चखड़ उहाड़ लहरी वहन लखेसरी, सतगुरु सिउ अलाए बेड़े डुबण नाहे पाओ। बड़े बड़े चखड़ चल रहे ने, बड़े बड़े उहाड़ दा तो तूफान उठ रहे ने, इस जगत विच लखां ही लहरां चल रहीआं ने, लखां ही लहरां। साडी सुरत नूं डोबण दे लई साडे आले दुआले बहुत कुछ है, इक हुण नहीं है, हमेशा ही है, हमेशा रहना ही है। ये ना कहो जी अजकल माया दा बड़ा जोर है, ये हमेशा ही जोर है। अजकल जोर नहीं है, अजकल असीं सतसंगत नाल ही टुट गए, असीं उस परमात्मा नूं भुला ही दिता। मनुख सोचदा कि बस पैसे नाल ही सब कुछ बन जाना है, और पैसा कमाउणा ही मनुख सिखदा है, पैसा कमाउण दी मनुख नूं जाच दसी जांदी, ते देखदे आपां
फिर मनुख सोचता है कि वह तरीका लभो जिद ना सौखा पैसा कमाया जाए, बहुता पैसा कमाया जाए। पैसा गुजरान है, मेहनत करना मनुख का अधिकार है, पैसा कमाना मनुख का अधिकार है, पर मेहनत करके जो आए बड़ा सुखदाई हुंदा है। पर मनुख अपनी मेहनत से जो भरोसा नहीं रखता, फिर वह तरीका वरदा कि वह तरीका लभो जिन्ना बहुता आ जाए, बेईमानी कर लो, ठगी ठोरी कर लो, फिर होर ही काम चल रहे, बड़े बड़े सट्टेबाज चल पे, अनेक तरह के होर काम चल गए। भी हुंदा है बहुत पैसा एक बारी तो आ जाता, फिर जो चलिया जाता फिर की हुंदा है, बंदा डिप्रैशन चलिया जाता, कुछ सुसाइड कर लेंदा। तुसीं देखते नहीं, देखो जी कारोबार च घाटा पै गया तो बंदा चलिया गया। हुण उह कारोबार च घाटा पै गया, वाधा भी तो होया ही सी कदी, जे वाधा होया सी उदों आपां की कीता, उदों सिर्फ शराबां ही पीतियां। जे वाधा होया उदों आपां की कीता, सिर्फ आपां वड्डे वड्डे होटलां जाके पार्टियां ही कीतियां। जे पैसे बहुते आ गए उदों आपां की कीता, उदों असीं अडंबर कीता, उदों दिखावा कीता। तो जी उदो ये कुछ किया हूँ चलिया गया तो हूँ तो यही कुछ होना है, फिर बंदा सुसाइड कर लेंदा। समाज के अंदर की वर्तारा वरत रहा, जिन्होंने पुछो जी कारोबार च घाटा पै गया, बस पता नहीं की होया। ये कारोबार च वाधे भी चलने ने ते घाटे भी चलने ने, हमेशा वाधे नहीं चलने। ये कारोबार सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे कमाओ, कट्ठे करी जाओ तो मौज मेले माणी जाओ। कारोबार तो साढ़े अंदर एक शख्सियत या तैयार कर ली, करैक्टर क्रिएट करने के लिए कि आप मेहनत करिए, मेहनत करके साढ़े अंदर दृढ़ता आए, साढ़े अंदर सिदक आए, साढ़े अंदर भरोसा आए, साढ़े अंदर हिम्मत आए। हुण असीं कहिंदे कारोबार इहो जिहा कि हिम्मत ना करनी पए, घरों बैठियां रिमोट ते कैमरे ते देखते रहिए कारोबार चल रहे ने, बड़ा सोहना काम चल रहे है, हो जाएगा ये सब कुछ। पर उहदे चों की होएगा, शरीरक तौर ते असीं जे मेहनत नहीं करांगे शरीर रोगी हो जाएगा, मानसिक तौर पर जे असी कोई यतन नहीं करांगे मन रोगी हो जाएगा। रोगों के नाल तो भरे पे आप, शरीर भी साढ़े रोगों च ने, मन भी साढ़े रोगों च ने। इस करके जड़ा कारोबार ने किरत है बहुत जरूरी है भाई। किरत मनुख के अंदर दृढ़ता पैदा करती है, किरत मनुख के अंदर एक नवा इंसान पैदा करती, वह इंसान जड़ा दुनिया के किसी झखड़ झोलिया तो डरदा ही नहीं है। नहीं तो माया के झखड़ा तो बचना वड्डे वड्डे सिद्ध नहीं बच सके, असी तो कौन चीज़ हाँ। बाबा नामदेव साहब जी कहने लोभ लहर अत नीजर बाजे काया डूबे केसवा, हे परमात्मा जी लोभ दियां वड्डियां वड्डियां लहरां चल रही ने, ठिलना चल रही ने, वड़े वड़े झल उठ रहे ने, चखड़ चल रहे ने, साडी ते काया डूब रही इहदे विच, इहचों निकलना बड़ा औखा है। तो सतगुरु जी कहिंदे औखा है, लेकिन जिन्हां ते वाहिगुरु जी की मेहर हो जाती, घूमन घेर परे बिख बिखिया, जिहड़े इन्हां घूमन घेरियां च फस गए, बिख बिख्या अंदर जेड़े आत्मक तौर पर मरने शुरू हो गए, सतगुरु काढ लिए दे हाथ। जदों वह गुरु की हजूरी चाहे, गुरु ने उन्होंने सिर पर हाथ रखिया, गुरु की हाथ रखता है। गुरु कहिंदा जपो तो एको नामा, परमात्मा का नाम जपो। नाम जपण का अर्थ यह नहीं कि मैं कम कर छड़ के माला लैके वखरा जिहा कितें बैठ जावा। जपो तो एको नामा का अर्थ है कि परमात्मा का धनवाद करो जिन्हें जिंदगी दिती है। जपो का एको नामा का अर्थ है कि मेहनत करो, परमात्मा मेहनत करता तुसी भी मेहनत करो। जपो तो एको नामा का अर्थ है कि ईमानदारी दे नाल काम करो, किसी का हक ना मारो, किसी का बुरा ना करो। नाम का अर्थ यह है, नाम का अर्थ माला लैके बैठण तो नहीं है, कोई बैठा है भाई जी सदके बैठा रहे, पर नाम का अर्थ यह है कि उस परम पिता परमात्मा नूं चेते करदे आं, उस परमात्मा वर्गे गुण अपनी जिंदगी अंदर लै आने, मेहनत करनी, ईमानदार होना, सरबत दे भले की गल करनी, किसी का हक ना मारना, किसी का बुरा ना चितवना, यह है जपो तो एको नामा। गुरु साहब जी कहिंदे कि जदों गुरु कोल आउंदे ने, सतगुर काढ लीए दे हाथ, सतगुरु उन्हां दे सिर ते हाथ रख दिंदा है। गुरु हाथ रख के उन्हां नूं परमात्मा दे प्यार विच जोड़दा है। जदों गुरु का हाथ आ गया, गुरु ने उन्होंने माया दियां घूमण घेरियां चों कढ लिया। साडा इतिहास भरिया पिया है, वड्डे वड्डे ओ लोग जिहड़े डाकू सन, चोर सन, ठग सन, जिहड़े माया दी खातर बहुत कुछ करदे सन। एक कम बंदा माया दी खातर ही करदे ने कि चोरी कर लो, डाका मार लो, कतल कर लो। पर जदों गुरु की हजूरी चाहे, सतगुरु जी ने उन्होंने सिर ते इहो जिहा मेहर प्रयात रखिया, वह अपनी दसां नौवां दी किरत ते भरोसा करन लग पे। वह वाहेगुरु जी के प्यार जुड़ के हिम्मत मेहनती बन गए, परोपकारी बन गए। साहब कहिंदे कि इस माया दियां घूमण घेरियां च बंदा फसया है, हे भाई तू परमात्मा का नाम जप। देख जिहड़े फसे ने, गुरु ने जदों उन्हां नूं परमात्मा के नाम नाल जोड़िया,
इस माया दियां घूमण घेरियां तो बाहर निकल गए। बाबा कबीर साहब जी कहिंदे, कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुर आपने उन कीनो आदेश। कहिंदे माया मेरे कोल भी आई, सारियां कोल आउंदी है, माया दा काम ही यही है, ड्यूटी यही है, माया सारियां कोल आउंदी। बाबा कबीर साहब जी कहिंदे मेरे कोल भी आई, पर मैनू मेरे गुरु ने उपदेश दिता सी ना, अपना हाथ दे के गुरु ने मैनू बचा लिया, ते माया मेरी सेवक बन गई, माया मेरी दासी बन गई। सतगुरु साहब जी फिर कहिंदे, रहाओ स्वामी अपै निरंजन नर हर, तुम राख लियो हम पापी पाथ। हे परम पिता वाहिगुरु जी, स्वामी दा अर्थ है मालक, अपै दा अर्थ ने निर पाओ, जिन्हों कोई डर ना होवे, निरंजन दा अर्थ है जिहदे ते माया दा कोई प्रभाव ना होवे। हे निरपाओ वाहिगुरु जीओ, हे माया तो निर्लेप वाहिगुरु जीओ, नर हर दा अर्थ हुंदा परमात्मा, तुम राख लिहो हम पापी पाथ। पाथ में ना पत्थर, वाहिगुरु जी असी ते बड़े वड्डे पापी हाँ, असी ते पाप करदे करदे पत्थर बन गए। बंदा औगुण करदा रहे पाप करदा रहे ना, ते अंदरों पत्थर बन जांदा है, उहदे ते कोई किसी दे दर्द का असर नहीं हुंदा, उहदी जिंदगी जिन्ने मर्जी माड़े दुर्घटनावां आउण उत्ते भी कोई असर नहीं हुंदा, अंदरों पत्थर बन जांदा है, सुन्न हो जांदा है अंदरों। हे वाहिगुरु जी, असी औगुण करदे करदे अंदरों पत्थर ही बन गए हाँ। पाप का अर्थ है झूठ बोलना, पाप का अर्थ है केवल तो केवल लालच च पए रहना, बेईमानी करनी, ठगी करनी, किसी का दिल दिखाउणा, यह सब पाप ही ने। वाहिगुरु जी, पाप करदियां करदियां असी अंदरों पत्थर बन गए। देखो बंदे नूं झूठ बोलण की आदत पै जाए ना, तो वह ना सोचता कि मैं सच ही बोल रहा, वह झूठ नूं भी सच ही समझ जाता। तुसीं देखते नहीं वड्डे वड्डे राजनीतिक लोग रज के झूठ बोलते हैं, धर्म स्थानां ते झूठ बोलते, वह फिर कहिंदे असी सच्चे ही हाँ, क्योंकि अंदरों वह पत्थर बन चुके ने, उन्होंने अंदरों वो इंसान जिहड़ा है ना वो खत्म हो चुका है, वह पत्थर बन चुके ने। उन्होंने मकसद सिर्फ तो सिर्फ अपनी राजगद्दियां होंदे, दुनिया मरदी है कोई गल नहीं, मरे दुनिया ही मरदी है ना, लोगों के उपर जुल्म हुंदा हो ही जाए, पुलिस दे रहे डांगा डूंगा वड़ा के लोगों के सिर पाड़ के लोगों घर च वाड़ देंदे ने, वह पत्थर बन चुके ने। ये तो किसी के राज विच कोई राजा होए, किसी राजे के राज विच किसी ते भी डांगा पैण, ये कोई की दिल नहीं पसीजता उन्होंने लोगों का, लेकिन इस करके नहीं क्योंकि वह पत्थर बन चुके ने, उन्होंने सिर्फ एको एक चीज़ नज़र आती है, साड़ी राजगद्दी जिहड़ी ये नहीं हिलनी चाहिए, ये कायम रहनी चाहिए। दुनिया मरदी मरे कोई जिस तरह मर्जी रहे, उन्होंने कोई हालात नहीं, अंदरों पत्थर होंगे ने। हे परमात्मा जी, असी तो अंदरों पत्थर बन चुके हैं, तो तुसी बड़े दयालु हो, तुसी कृपालु हो, तुसी माया तो रहत हो, तुसी निरपाओ हो, मालक हो साडे, तुसी कृपा करके सानू बचा लो इस माया दे विच डुबण तो, सानू तुसी बचा लो जी। काम क्रोध बिख्या लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ। हे परमात्मा, असी काम क्रोध ये जिन्हें विकार ने इन्हां दे विच ही खचत रहिंदे आ, लोभ साडे अंदर वसिया होया है, लोभ दे विच क्रोध दे विच विकारां दे विच वासना विच असी हमेशा खचत रहिंदे आ। काष्ट लोहो तरे संग साथ। परमात्मा जी, जिवें लोहा जिहड़ा है ना वह बेड़ी नाल जुड़ के तर जाता है, जदों बेड़ी बनती है ना लक्कड़ दे नाल लोहा जोड़ते हैं, वह लक्कड़ नाल जुड़ के लोहा भी तरन लग पैंदा, तारन का कारण बनता है। जिवें लकड़ी नाल जुड़ के लोहा तर जाता है, परमात्मा जी सानू भी कृपा करके सत संगत नाल जोड़ के पार उतार लो। असी तां पत्थर बन चुके हैं, असी लोहे वर्गे हाँ, जिवें पत्थर डुबदा है असी डुब रहे इस भव सागर के अंदर, तो तुसी कृपा करके जिवें लोहा लकड़ी नाल जुड़ के तर जाता है, सानू भी सतसंगत नाल जोड़ के तार लो। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम ढूंढ रहे पाई नहीं हाथ। वाहिगुरु जीओ, तुसी वड्डे हो,
ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਮ ਅਗਮ ਦਰਥ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਮਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗੋਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਚਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੋ, ਹਮ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਥ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੂੰਡ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਢਿਆਈ। ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੋਚਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੂੰ ਪਰੈ ਪਰੈ ਪਰਮਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਆਪ ਜਗਨਨਾਥ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਅਪਰੰਪਰ। ਅਪਰੰਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗਾਤਮੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜੀ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਮੁਗਦਰਥ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਜਿਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿਖਾਓ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਲਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ
धुप नू फड़िया नहीं जा सकता, धुप नू फड़िया नहीं जा सकता, धुप नू माणिया जा सकता। धुप का की आकार, कोई कहे जी धुप का आकार की दसेगा, कोई धुप का आकार किहो जिहा है? धुप तो बिना, सूरज की गर्मी तो बिना यह जगत चल नहीं सकता। बिजली है, बिजली देखी नहीं जा सकती, फड़ी नहीं जा सकती, उसका आकार की है, रंग की है, दसिया नहीं जा सकता, पर बिजली हैगी है। बिजली तो बिना काम साडा चलता ही नहीं है। परमात्मा जिहड़ा वह देखा नहीं जा सकता। परमात्मा नूं देखना है ये अखां नहीं काम आउणगियां। जिवें बिजली नूं जानण दे लई सानूं सुरत समझ हुंदी है, कारीगर दी ओह दसदा कि इत्थे बिजली हैगी इत्थे नहीं है, इवें साडी सुरत जिहड़ी ओह डिवेलप होएगी, सानूं पता लगेगा परमात्मा है। नानक सी अखड़ियां बेअन जिन्नी दिसंदो मां पिरी, पै के चरण कर भाव के लोयण सुरत करे। लोयण दा अर्थ हुंदा अखां, सुरत दियां अखां। सुरत दे नाल देखो तुसीं किसे बूटे नूं फुल किवें लगदे ने, सुरत जोड़ो कदी, वह फुलां दे विच रंग कित्थों पै जांदा है, किन्ने रंगां दे फुल ने। असीं बूटा लगाउने आ, उहनूं फल लगदा है, फल दे विचों रस कित्थों आ जांदा है। कदी अपनी सुरत नूं जोड़ के देखो, कुदरत दे विच लवलीन हो के देखो, जिधर देखोगे तुहानूं उत्थों ही परमात्मा नज़र आएगा। तुसीं ज्यों ज्यों गहर गंभीर हुंदे जाओगे, अपनी सुरत नूं जोड़दे चले जाओगे, त्यों त्यों तुहानूं परमात्मा दे अनेक रंग नज़र आउणगे, त्यों त्यों परमात्मा दे दीदार होणगे। पर मनुख ते कहिंदा जिवें मैं तुरे जांदे बंदियां नूं मिलणी ना, रब इदां ही मिलदा है, जां किसे आकार नूं देख लैंदा इदां मिलदा है। गुरबाणी कहिंदी जे देखण दीआं अखां होण, बलिहारी कुदरत वसिया, कुदरत करके वसिया सोए। सारी प्रकिरति दे अंदर परमात्मा वसिया होया, सारे थावां ते परमात्मा बैठा होया। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे वाहिगुरु जी तुसीं अदृष्ट हो, अगोचर। अगोचर दा अर्थ कि तुसीं साडे इंद्रियां दे गोचरे नहीं हो कि अखां नाल देख लांगे, हत्थां नाल फड़ लांगे। तुसीं अगोचर हो, नाम ध्याए अदृष्ट, अगोचर नाम ध्याए सतसंगत मिल साधु पाथ। हे वाहिगुरु जी, असीं इस घूमण घेरियां च डुब रहे हाँ, मोह माया विच असीं खच धो रहे हाँ। तुसीं बड़े बेअंत हो, अपरा पार हो, जिन्हां लोगों ने भी सतसंगत मिल साधु पाथ, सतसंगत नाल मिल के, साधु दा अर्थ इत्थे गुरु है, सतसंगत नाल मिल के गुरु दे मार्ग ते जिहड़े चले, जिन्हां ने वाहिगुरु जी दा प्रभु दा नाम जपिया, वह मनुख जिहड़े ने वह सतसंगत राही इस भव सागर तो पार उतर गए, वह तर गए। तर गए दा अर्थ यह है जिवें आपां कहिंदे ना कि आपां ते हर वेले चिंता च डुबे रहिंदे आ, असीं तां हर वेले सोचां च खचत रहिंदे आ, डुबे रहिंदे आ, घूमण घेरियां च फसे रहिंदे आ। तरगे दर्थ के जेड़े सत संगत राही परमात्मा दे प्यार विच जुड़े, उन्हां दी सुरत चिंता तो मुक्त हो गई, उन्हां दी सुरत विचों ए मोह माया दीआं घूमण घेरियां खत्म हो गईआं, वह निर्लेप हो गए। तरगे दर्थ के उच्चे उठ गए, उन्हां दे उपर दुख दा, सुख दा, हरख दा, सोग दा, मान दा, अपमान दा, उस्त दा, निंदा दा कोई असर नहीं है, वह तर गए। जिवें बंदा पानी ते नहीं तर जांदा, इवें वह संसार विच रहिंदे आ दुनिया तो निर्लेप हो गए, लोक इलाज तो मुक्त हो गए। इस करके सतगुरु साहब जी कहिंदे वाहिगुरु असीं मोह माया विच खचत हो के डुब रहे हाँ, पर जिन्हां ते तुसीं कृपा कीती, जिहड़े सतसंगत विच आए, गुरु दे दसे मार्ग ते चले, वह भव सागर तो पार उतर गए। किवें उतरे? कि हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जप्यो अकथ कथ काथ। उन्होंने सतसंगत विच आ के प्रभु की कथा सुनी। सतसंगत है ही वह जिथे रब की गल होए। सतसंगत कैसे जानिए? जिथे एको नाम वखाणीए। सतसंगत हो जिथे एक परमात्मा के नाम की चर्चा है, परमात्मा की सिबत सलाह, परमात्मा के गुण गायन होंगे ने। तो सतसंगत विच आया गिणिया ही वह जाता जिहड़ा आ के रब की गल सुने, रब दे गुणा दी गल सुने, रब दे गुण गाए, रब दे गुणा विच सुर जोड़े। उवें बेअंत प्राणी आउंदे ने, मुबारक है जी आया नूं है,
लेकिन गुरु साहब जी ने एक गल कही है कि केवल आया गल नहीं बननी, आए हाँ मत्था टेकया गुरु साहब दियां परिक्रमा कीतियां चले गए। सतगुरु जी कहिंदे जिन्ना मर्जी जतन कर लो इदां कीतियां, जे गुरु के शब्द की गल ही नहीं सुनी, परमात्मा दे प्यार जुड़े नहीं एक दो मिनट, तो भावें 100 गेड़े मारी जाओ की हो जाएगा। उसनों सुख ना उपजे भावें 100 गेड़ा आवो जाओ, भावें 100 गेड़े मार लो, तुसीं आउणा मुबारक है। गुरु का दर है, हर किसी नूं आउण दा अधिकार है। लेकिन आ के जे असी परमात्मा की गल सुनी नहीं, परमात्मा की शिव सलाह नाल सांझ ही नहीं पाई, तो सतगुरु जी कहिंदे फिर गल नहीं बनेगी। जिन्हों की गल बनी है, हर हर कथा सुनी मिल संगत, उन्होंने सतसंगत बैठ के परमात्मा की सिवत सलाह सुनी, तो परमात्मा की सिवत सलाह सुन के हर हर जप्यो अकथ कथ काथ। वो वाहेगुरु जी जिहड़ा अकथ है, जिहदी कथा नूं बयान नहीं किया जा सकता, उस वाहेगुरु जी नूं उन्होंने जपना जदों शुरू किया। सतगुरु साहब जी कहिंदे ने ओ फिर काष्ट लोह तरे संग साथ, वो जिवें लोहा लकड़ी नाल जुड़ के तर जांदा है, तिवें जिहड़े सतसंगत विच आ के परमात्मा दे नाम नाल जुड़ गए वह भी तर गए। बहुत वडियाई की सतसंगत की गुरबाणी ने। बाबा कबीर साहब जी कहिंदे जिवें गंगा के संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा होए निबरी। सलता कहिंदे नदी नूं, गंगा नूं हिंदू वीर पवित्र गिणदे ने, उन्हां दा तीर्थ है। गंगा च जिन्नियां नदियां डिगण ना भावें गंदियां होण, किन्ने गंदे गंदे नाले डिगदे वड्डे वड्डे शहरां दे, उन्हां वी गंगा ही मनदे ने लोक, उह वी गंगा दा रूह बन जांदे ने। जिवें गंगा च डिग के नदियां गंगा बन जांदियां ने, तिवें सतसंगत विच मिलिया होया प्राणी सत दा ही रूह बन जांदा, गुरु दा रूह बन जांदा। जिवें चंदन कोल रहण वाली बनस्पति सुगंधित हो जाती है, तिवें सतसंगत विच आया हुआ प्राणी भी गुणा वाला बन जाता। आए सतसंगत विच, वो आए मन करके बैठे, ज्यों ज्यों सतसंगत नाल सांझ पावांगे त्यों त्यों गुण साडे अंदर भी वसदे चले जाणगे। इस करके सतगुरु साहब जी कहिंदे उन्होंने सतसंगत विच आ के परमात्मा की कथा सुनी, तो वह अकथ वाहिगुरु जी दे प्यार च जुड़ गए, उहदे सिमरन जुड़ गए, ते जिवें लोहा तर जांदा है तिवें वह भी सतसंगत नाल जुड़ के तर गए। भाई गुरदास साहब जी का एक बड़ा प्यारा बचन है, कहिंदे जिवें बेड़ी पचाड़ लंघाएं दा बालेपुर मानस मोहाणा, मोहाणा दा अर्थ हुंदा मल्ला, जिवें मल्ला बेड़ी दे उपर पूरा दे पूर चढ़ के दरिया तो पार कर दिंदा है। आगू एक नभाएं दा लश्कर संघ शाह सुल्ताना, जिवें एक कमांडर हुंदा है जरनैल हुंदा है, तो किन्नी फौज होंदी उहदी अगवाई विच, हज़ारां फौजियां दी उह कमांड करदा है, एक कमांडर हज़ारां फौजियां दी कमांड करदा है। जिवें फिरे महल्ले पाहरू होए निचिंद सवन प्रधान, जिवें महल्ले च पहरेदार चौकीदार हुंदा रात नूं, इकला चौकीदार किन्ने घरां दी राखी करदा है, लोग बड़े बेफिक्र हो के सौंदे कि चौकीदार हैगा। जिवें लाड़ा एक व्याईए बाले जांझी कर मेहमान, एक लड़के नूं व्याहुण लई जाईदा है, किन्ने जांझी हुंदे ने, किन्नियां दी आओ भगत हो जांदी, एक करके किन्नां दा सत्कार हो जांदा। जिवें बादशाह एक मुल्क दा, होर प्रजा हिंदू मुसलमान, जिवें मुल्क च एक बादशाह हुंदा है, किन्ने तरह के लोग, किन्ने मतां मतांतरां दे लोग उहदे राज विच रहिंदे ने। तिवें सानूं साडे सतगुरु जी ने जिवें मलाह बेड़ी ते उपर हज़ारां नूं तारदा, जिवें चौकीदार कई घरां दी रखवाली करदा, जिवें एक लाड़े करके कईआं दा सत्कार हो जांदा, जिवें एक जरनैल कईआं दी कमांड करदा है, जिवें एक बादशाह दे मुल्क कई लोग वसदे ने, तिवें सानूं साडे सतगुरु जी ने सतसंगत दित्ती है। सतगुरु सच्चे पातशाह साध संगत गुर शब्द निशाना, सत संगत राही बेअंत जीवन का उधार हुंदा है। सतगुरु जी ने जदों एक आदर्शक मनुख ते समाज की सिरजना की गल की ना, उन्होंने उन्हों आधार बनाया सत संगत। देखो गौरमेंटा नूं अपनी ड्यूटी करनी चाहिए है, करनी चाहिए, कर दिया ने, पर जे तुसी कहो ना कि यह भ्रिष्टाचार किसी कानून दे राही खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं होना। इहदा रूप बदल सकता है, इहदा रूप बदल सकता है, लेकिन भ्रिष्टाचार नहीं खत्म होना, बेईमानी नहीं खत्म होनी।
ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੱਜ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ, ਲੀਡਰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ MLA ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾ ਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਤ 'ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ, ਚਲੋ ਭੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹਦੂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, 100% ਝੂਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਸੁਰਤ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੂੜ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ, ਬਾਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸਾਂਥੇ ਨਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਮਿਲਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਤਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ IIT ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ
स्थिरता चाहिदी, अडोलता चाहिदी। वो अडोलता सतसंगत विचों मिलनी है, वो अडोलता परमात्मा दे प्यार विच जुड़ के मिलनी है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे साडे कोल तां सतसंगत है। वो किहड़ी ताकत सी जिस ताकत ने एक एक सिंह नूं लखां दे नाल मुकाबला करन दे समर्थ बना दिता? वो इको एक ताकत सी, वो सी गुरु का प्यार, वो सी सतसंगत का प्यार। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे हे वाहिगुरु, असीं इन्हां घूमण घेरियां च फसे हाँ, तुसीं कृपा करो सानूं सतसंगत नाल जोड़ के, जिवें लोहा लकड़ी नाल जुड़ के तर जांदा, सानूं पार उतार लो। ते सतगुरु जी ने अखीर ते कि हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख लिहो जगन्नाथ। हे जगत दे मालक वाहिगुरु, हे जगत दे स्वामी वाहिगुरु जी, हे धरती दे मालक वाहिगुरु जी, जगदीश मेना जगत दा ईश्वर, गुसाई मेना धरती दा मालक, जगन्नाथ मेना जगत दा मालक वाहिगुरु जी, हम राख लिहो, सानू कृपा करके तुसी बचा लो, सानू भी सतसंग नाल जोड़ लो। जन नानक दास दास दासन को प्रभ, करो कृपा राखो जन साथ। वाहिगुरु जी मैं तुहाडे दासां दे दासां दा दास बन जावां, तुसी कृपा करके ना राखो जन साथ, मैनू अपनी जना दी संगत विच रखो, सत संगत नाल जोड़ी रखो। मैं सत संगत नाल जुड़ के ही इन्हां औगड़ां तों बच सकदा, होर किते कोई थां नहीं है। सतगुरु जी ने वाहिगुरु जी दे पास अरदास बेनती करन दी सानू जाच दस दे, इक तां बड़े प्यारे बचन गए, राख पिता प्रभ मेरे, मोए अवगुण सब गुण मैं, मोए निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी राख गरीबा राखो राखन हारे, खेत करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे, कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़ी कतहु नाही। महाराज बड़े जतन करके देख ले, आ जड़ियाँ बुराइयां ने विकार ने ये छड़दी नहीं सानू, इन्हां तो बचिया ही नहीं जांदा। बड़े जतन करके देख ले, बड़े तप साध के देख ले, जप करके देख ले, बड़ियां मस्या नहा के देख लिया, बुराइयां छड़दी ही नहीं। कर कर हारियो अनक बहु भांति छोटे कतहू नाही, ये किसी भी तरीके नाल मेरा खेड़ा ही नहीं छड़दियां बुराइयां जड़ियां ने औगण जड़े ने। पर एक बात सुनता की ओटा साध संगत मिट जाई, मैनू एक पता लगा कि सत संगत विच जाके इहदे तों बचिया जा सकदा है। सत संगत जिथे सच दी गल होए, जिथे सच दी विचार होए, उस थां ते जाके तो बचिया जा सकदा है। तुसी कृपा करके मैनू भी सत संगत नाल जोड़ लो। सत संगत किन्नी महान है, गुरबाणी कहिंदी परमात्मा नूं मिलना है कितने जंगलों च नहीं जाने की लड़, कि तीर्थां ते नहीं भटकन की लड़, कि भुखे बैठन की लड़ नहीं, कितने कोई खर्च खर्चा करन की लड़ नहीं, कितने शरीर नूं कष्ट देन की लड़ नहीं है। जे परमात्मा नूं मिलना है विच संगत हर प्रभु से जियो, संगत विच परमात्मा वसद है। साध संगत अस्थान जगमग नूर है, ये साध संगत वो अस्थान जिथे परमात्मा का नूर जगमगा रहा है, ये साध संगत वो अस्थान है जिथे आ किसी परमात्मा दे प्यार जुड़ सकते हैं। साडे ते गुरु साहब जी ने अथाह कृपा की, सानू सत संगत की दात बख्शिश की है। गुरु बाबा जी कहिंदे वाहिगुरु जी तुसी जगत दे मालक हो, गुसाई हो, स्वामी हो, मेरे ते कृपा करो, मैनू सत संगत विच ले आओ, अपनी जना दी संगत विच रखो। जदों मैं सत संगत नाल जुड़िया रहांगा उदों मैं इन्हां माया दियां लहरां तों, ये जिहड़े झखड़ झुल रहे ने इन्हां तों बच जावांगा। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अज दे समुख वाक दे राहीं अपने मन नाल गल करके सानू सारिआं नूं समझाया कि भाई परमात्मा नूं चेते करिआ करो, परमात्मा दा नाम जपिआ करो, क्योंकि जिहड़े लोग घूमण घेरियां च फस गए ने इन्हां घूमण घेरियां चों निकलण दा इको एक रस्ता है परमात्मा दा आसरा। मोह माया दीआं चिंतावां तों मुक्त होण दा जां अवगुणां तों मुक्त होण दा इको एक तरीका है, वह है परमात्मा दा नाम। उस नाम नाल सांझ बणेगी जदों असीं सतसंगत विच आवांगे। नाम कन्न च फूकां मारिया नहीं मिलना, माता को कोई बंदा कन्न च फूक मारेगा मैनू नाम मिल गया, किसी ने गल च माला पाती नाम मिल गया, जां सिर ते को हाथ रखेगा नाम मिल गया। नाम को कन्ने मने घुरका फुर करन वाला नहीं है। नाम दा अर्थ परमात्मा दे प्यार जुड़ना, परमात्मा दा ज्ञान प्राप्त करना। वो ज्ञान वो प्यार मिलेगा सतसंगत विच आके। बाबा रविदास साहब जी कहिंदे साध संगत बिन भाउ नहीं उपजे, साध संगत तो बिना प्यार नहीं बनना, प्यार तो बिना रब की भगती नहीं होनी, नाम नाल नहीं जुड़िया जाना। इस करके सतगुरु जी ने सानू सतसंगत की दात बख्शिश की है। आप जी बहुत वड़े भागी हो जो गुरु की हजूरी च बैठ के आनंद माण रहे। गुरु रामदास जी महाराज का यह पवित्र शब्द
ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੋ ਜਨ ਸਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਰੁੱਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ 7:15 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 7:15 ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇਹ 7 ਤੋਂ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਣੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੀਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।